हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने जो कृष्ण जी बनाया था ना, उसे पेंटिंग करेंगे। फेस को कलर करने के लिए हम सबसे पहले लाइट फेस कलर का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ डार्क करेंगे, डार्क फेस कलर यूज़ करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर सिर्फ मैं ड्राइंग दिखाती थी, तो बट इस बार मैंने कुछ न्यू किया है, लाइक मैंने एक नया सेटअप किया है। तो अगर आपको ये सेटअप अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज, हमारा जो लाइट फेस कलर था ना, वो कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इस पर डार्क करेंगे, लाइक आउटलाइन वगैरह बना लेंगे, और उसके बाद इस पर भी हल्का हल्का, इससे थोड़ा डार्क, जो हमने लाइट कलर किया ना उससे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करके पूरे फेस को कलर कर लेंगे। बाय द वे गाइस, आप लोग को मेरा ड्राइंग कैसा लगता है इसके बारे में आप कुछ कहते ही नहीं हो। और हाँ, जैसा आपको वीडियो लगता है, लाइक मेरा ड्राइंग जैसा भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो कमेंट नहीं कर पाते हो, कभी कभी टाइम नहीं मिलता, बट लाइक या डिसलाइक तो कर ही सकते हो ना। प्लीज़, मुझे ये जानना है कि आपको मेरा ड्राइंग कैसा लगता है। तो प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी ही बता दो कि कैसा लग रहा है, या फिर लास्ट में ही कर देना, पर प्लीज़ करके जाना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो या ड्राइंग अच्छा है, और हाँ, मेरा ड्राइंग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सामने दिए गए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो गाइज, हमारा फेस कलर है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसमें आइस कलर और आईब्रो कलर डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है ब्लैक कलर आईब्रो का। अगर आप चाहे तो ब्राउन भी डाल सकते हो, और आइज़ में तो आप कोई भी कलर डाल सकते हो, लाइक ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, किसी भी कलर का, जैसा आपको चाहिए, जैसा भी आपको ड्राइंग का लुक क्रिएट करना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक का यूज़ करूँगी आइज़ को कलर करने में। और अब मैं कृष्ण जी का मोरपंख को कलर कर रही हूँ, पर ऐसे नहीं, पहले लाइट एंड फिर डार्क। गाइस, अब मैं हेयर कलर कर लूँगी। पहले मैं ब्राउन कर रही थी, पर बाद में मुझे लगा कि इसमें थोड़ा ब्लैक इफेक्ट भी डालना चाहिए, तो मैंने ब्राउन किया, फिर उससे थोड़ा डार्क ब्राउन किया, एंड उसके बाद मैंने जो ब्लैक वाटर कलर था ना, उसमें हल्का पानी डाल करके उसका कलर लाइट कर लिया, और उसके बाद इस पर पेंट कर दिया। और हाँ गाइस, मैंने ना एक और चैनल बनाया जिस पर मैं सिर्फ स्केच वीडियो अपलोड किया करूँगी, चाहे वो फेस का हो या फिर किसी भी भगवान का ड्राइंग बनाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक इस वाले चैनल पर सिर्फ पेंटिंग ही किया है, इसलिए मैंने सोचा कि, और जब मैंने इसमें स्केचिंग वीडियो डाला तब कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहा था, जिस तरह मेरे सारी पेंटिंग वाले वीडियोस में आते हैं, इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया जिसका नाम है स्केचिंग गर्ल मुसू। तो आप लोग जा करके उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये जो कृष्ण जी मैंने बनाया है ना, उसका भी पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो गाइज, हमारा ब्लैक कलर भी कम्प्लीट हो चुका है, अब बस हम इसका आउटलाइन बना लेंगे ब्लैक पेन से। तो गाइज, हमारा ब्लैक पेन से आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो कृष्ण जी के चिक्स है ना, उसे थोड़ा पिंकी पिंकी कर देते हैं, जिससे इनका बेबी लुक्स और भी अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो गाइज, हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।